भाई आग क्यों लगाई तूने सर्द सर्द पानी, क्यों भला जलाए इनको यूं भरी जवानी। तन्हा तरफ के ऐसे कहीं मर न जाए वो, कैसी बेकरारी है ये किसको बताए, ये क्या हो छोटे भाई उनकी ओर से इस धुन के लिए, क्योंकि इस सर्दी में आग लग रही है, उन्हें बड़ी पसंद आई, उनकी ओर से ये पुरस्कार हुआ है। और 51 रुपए जयपाल सिंह पटेल, पुष्पेंद्र पटेल जी, मयंक पटेल जी, अनन्या पटेल जी और प्रेमवती पटेल जी, ये 51 रुपए माता रानी के दरबार में भेंट किए गए हैं। मैया रानी सदैव भी आपके भंडार बनती रहे। गीत सुनिए और गीत में दीप माला जी, केवल इतनी सी खास बात है कि जो काम पहले होता था वो आज भी हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। छल करने को छलिया वेश बदल आए। एक समय की बात है, इंद्र और चंद्रमा ने अपना वेश बदला। चल करने को छलिया वेश बदल आए हैं, गौतम ऋषि के आश्रम से धाए। छल करने को छलिया वेश बदल आए हैं और गौतम ऋषि के आश्रम वो आए हैं। अब ध्यान से सुने इस लाइन को, जेबी पटेल जी। आधी रात है, रात आधी पे ऋषि की जो ही नींद टूटी है। रात तो आधी थी लेकिन उनकी आंख खुल गई और सोचने लगे, सोचने लगे हाय मेरी दिनचर्या टूटी है। क्यों? क्योंकि गंगा नहाने को बेचारी बातें आधी रात की, लेकिन गौतम ऋषि को ऐसा क्यों लगा कि मेरी दिनचर्या टूट गई। गंगा नहाने को मेरा मनवा डोलता है, गंगा नहाने को मेरा मनवा डोलता है। आधी रात थी लेकिन गौतम ऋषि को लगा कि सवेरा हो गया। क्यों लगा? गंगा नहाने को मेरा मनवा डोलता है। और भयो भोर गौतम को लगा कि सवेरा हो गया। क्यों लगा? अरे भयो भोर ये कितने जोर से मुर्गा दो तो।
हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि सुबह होती है तो मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोलता है तो निश्चित सवेरा होता है। अब कोई ये भी कह सकता है कि क्या जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ सवेरा नहीं होता? होता है, लेकिन उस समय मुर्गे ने बांग दी तो उन्हें सवेरे का एहसास हुआ, आज भी मुर्गा समय बोलता है। तो जो पहले काम होता था वो आज भी होता है। आइए दूसरी बात सुनेगा और इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा आपका। अवधपुर में राम बिना मचा को हराम है, हराम है। राजवीर भैया मचा को हराम है, राम जी बन चले गए हैं और बिना राम आराम, बिना राम आराम सबको हराम है। बड़ी परेशान है, हाँ आप कौशल्या परेशान है और मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके इन पंक्तियों के लिए आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है। आप लोग प्रदेश में होते हैं पटेल साहब, माँ इंतजार करती है घर पे। अवधि ज्योतिषी को बुला अवधि सवारी है, अवधि ज्योतिषी को बुला अवधि यानी समय गिनवाया मेरा बेटा कितने दिनों में आ जाएगा। अवधि ज्योतिषी को बुला अवधि समारी है और राम आगमन की उन्हें बता दिया तो राम आने वाले हैं। माँ भैया 14 साल पूरे होने वाले हैं। राम आगमन की जान खुशी में तारी है। तभी ये घटना हुई, तभी ये घटना घटी। माँ जोर से चिल्ला पड़ी और माँ क्या चिल्ला पड़ी, तेरी सोने से चोंच मढ़ाओ जिसे तू खोलता है। और ये पंक्ति है जिसका जिसको आप मन से स्वीकार कीजिएगा, पहले होता था आज भी होता है। कितने प्यार से खोलता है चोंच, तेरी सोने से चोंच मढ़ाओ जिसे तू खोलता है। तो विश्वास हो गया और माँ कहती है मेरे राम आए, निश्चित मेरे राम आएंगे, मेरे राम आए, मेरे राम आए, मेरे राम आए मुड़गारी पे कौआ बो, मेरे राम आए मुड़गारी। कौआ बेचारा ऐसा है, पुराणों में बड़ी बड़ी इनकी घटनाएं आई है, सतयुग से लेकर के कलयुग तक उस कौए की महिमा गाई गई है, कहीं काकवसंत के रूप में, कहीं जयंत के रूप में, अनेकानेक रूपों में है। लेकिन यहाँ जो कौआ है मेरा पहले होता था आज भी होता है। माँ कहती है तेरे सोने से चोंच मढ़ाओ जैसे तू खोलता है और मेरे राम आए मड़गारी पे कौआ बोलता है। ये तो तब कहा माने। और दीपक भैया आज भी आप लोग बड़े प्यार से गाते हैं, पूरब वाले बहुत गाते हैं। हाँ पूरब वाले गाते हैं कि उठाओ धन मगरे पे बोल गौ कौआ, उठाओ धन मगरे पे बोल गौ कौआ और लगत तोरे मायके से आवे लेबरुआ। कौआ बेचारा रंग का काला, पानी भी बहुत तरकस है, लेकिन दो ही जगह जिसे सम्मान मिला, एक तो क्वार पक्ष में, क्वार में श्राद्ध पक्ष में इसको बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, आ जाओ आ जाओ। दूसरी बार तब मेरे राम आए मुड़गारी पे।
करवा दो। मुर्गा बोलता है, मड़गारी पे कौआ बोलता है। आइए द्वापर में कुछ चीजों को सिद्ध करते हैं। कैसे कैसे कुकुरम करता कंस अत्याचारी है, कैसे कैसे कुकुरम करता कंस अत्याचारी है। तो क्या हुआ, मेटने को मद मथुरा गए मदन मुरारी के भाने बुला लिया और पहुंच गए भगवान कन्हैया। अब क्या होना है, पाप घड़ा फूटे पापी पूरे सपन आते हैं। उसने देखा खर 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 और सियार नगरी में चिल्लाते हैं, तो घबरा गया। अनोखी घटना देखी, घबरा गया वो जो पूरा भलाना तोलता है। कंस ने देखा कि अब मुझे डर लगने लगा। क्यों, क्योंकि सूखी, अरे सूखी डाल पे बैठ उल्लू तो पक्षी लगे हैं। उस पक्षी को निभा रहा हूं दीप माला जी। बिरहा की अग्नि बढ़ाए पपीहा की वाणी है। क्या पपीहा बोलता है, पीयू पीयू कहता है, तो बिरहे की अग्नि बढ़ती है, बिरहा की बढ़ती है, पहले भी और आज भी। और बरसाती मेढक बोले, बरसाती मेढक बोले और इतना ही नहीं, हालांकि महानगर है फिर भी हमारे बुजुर्ग इस बात को जानते होंगे, बस्ती पे सारस बोले तो जिया घबराता है। अगर सारस पक्षी चिल्लाता हुआ ऊपर से निकले तो बड़े बूढ़े कहते हैं बेटा अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, सारस बोलता है। और बोलता है पैसा राकेश। हाँ हाँ, पैसा बोलता है। मेरी जेब में रखा है, वो नहीं बोल रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं बोल रहा ना, बोलता है बेटा, बोलता है, बिल्कुल बोलता है। कैसे, ये जो साउंड लगा है ना छोटू भैया का। हाँ हाँ, अब तुम यूं मान लो कि छोटे भैया का जो साउंड लगा है। हाँ, और केएस म्यूजिक परिवार वाले जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, अभी छोटू भैया का जो साउंड लगा हुआ है, छोटू भैया ने इसमें पैसा लगाया है बेटा, वही पैसा बोल रहा और ये जो YouTube पर रिकॉर्डिंग हो रही है, जब ये कार्यक्रम YouTube पर जाएगा तो केएस म्यूजिक का पैसा बोलेगा बेटा। सही पकड़े, बस्ती पे सारस बोले जिया घबराता है और बोलता है पैसा। दुनिया में मजा है, ढोल की दुनिया मेरी तरह है, बोले पैसा बोलता है। ये हमारे
ठाकुर मिशन पाल सिंह जी अध्यक्ष नगर निगम जय पटेल साहब, जयपाल सिंह पटेल महामंत्री जी नगर निगम बरेली, आप सभी कमेटी की ओर से 51 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी। लेकिन आजकल एक चर्चा बहुत होती है चुनाव की, माहौल जब आता है तो ये बिना बात के रस में विष को घोलता है। दीपक भैया और आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा इस पंक्ति के लिए तालियां जरूर बजा दीजिएगा और निश्चित रूप से आपके मन तक मेरी बात पहुंचेगी। अरे ये बिना बात के रस में विष को घोलता है और ये रखी पतीली चुप और चमचा बोलता है। पटेल साहब सावधान रहे ना, नेताजी चुप पीछे से चमचा बोलता, नेताजी चुप पीछे से चमचा बोलता, नेताजी चुप पीछे से चमचा बोलता, बोलिए कितने जोर से मुर्गा बोलता है और मेरे नाम आए बोलता है और वो सूखी डाल पे बैठ के उल्लू बोलता है, जाने क्या क्या बोलता। हाँ, नेताजी का पड़ोसी नर्क ये गीत आपने सुना है और आइए जवाबी के विधा के अनुसार एक छोटा सा कटपिस हम आपको सुना दे, छोटा सा। के आगे क्यों लगाए भोला सर्द सर्द पानी, पीयूष और तनु उनकी ओर से प्रदान हुए हैं, सार से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है और 51 पत्र मिला है आदरणीय श्री मिशन पाल सिंह। क्या बात है, ये हमारे इस नगर निगम बरेली के अध्यक्ष है आदरणीय श्री मिशन पाल सिंह जी और इसी नगर निगम बरेली के महामंत्री जी आदरणीय श्री जयपाल सिंह पटेल जी और इसी नगर निगम के क्राइम ब्रांच बरेली के हमारे दादा आदरणीय श्री जेपी यादव जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं, सार से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद है। कहा मुझे सताए ऐसे तू भरी जवानी,
ममता राठौर जी और आदरणीय मोहितेंद्र राठौर जी, ये गुलजार नगर सीतापुर बरेली वहाँ के निवासी हैं। सर से धन्यवाद है इस आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। महामाई आपके भंडारे भरे रखे। कहा बात आई, आपने कहीं पर कागा यानी कौवा बोलता है, कहीं पर मुर्गा बोलता है, और आखिरी में तो आपने चमचा कर छुरी होने में सब खड़बड़ा के रख दिया। अच्छी बात है, प्रयास है दादाजी, क्योंकि आपने जगह नहीं छोड़ी है और इतनी जल्दी है तो प्रसंग बहुत से, इतनी जल्दी लिखा भी नहीं जाता है। बस कोशिश की है, अगर सफल हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहना है क्या? जब भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया सुनने के लिए बैठी है, उन्होंने अपना डमरू बजाकर पूरे प्रांगण को शांत कर दिया, वहां से जो भी जीव प्राणी जीव जंतु थे सबको हटा दिया, क्योंकि उस अमर कथा को केवल मैया पार्वती ही सुन सकती थी। और मैया पार्वती से कहा कि जब तक मैं कथा सुनाऊं तुमको हुंकारी भरनी है, लेकिन लेकिन मैया कथा सुनते सुनते सो गई। अब देखिए वो हुंकारी भर कौन रहा है, कौन भर रहा है? तो बस प्रयास है दादा, कहना है राम को किस तरह दे
देखा जाए। उन्होंने एक जोगी साधु संत का एक ज्योतिषी का वेश बनाया, यूं कहिए ज्योतिषी का वेश बनाया, तो भगवान शंकर भगवान श्री राम के पैरों की रेखा देख रहे हैं। और देखिए का भूषण जी क्या देख रहे हैं, अवतारी लीना हरि ने मगन सृष्टि सारी के अवतारी लीना हरि ने मगन सृष्टि सारी है के चारों से ही हमें गद गद वो महतारी है। दरबार में सब परेशान है ये देखकर कि ये कैसा निराला पक्षी खेत खोलता है कि सब विस्मित है नर नारी कौवा उसमें भी कौवा को बुलाया जाता है कि कौवा चोंच मारकर खाने में चला जाए तो हमारे पुरख हम ये समझेंगे कि हमारे पुरखों ने इस प्रसाद को, तो उस समय कौवा को बुलाना पड़ता है कि आए कौवा महाराज इस पितृ पक्ष में हमारे भोजन को जूठा करके चला चले जाए। क्या बात है। और इधर संगीत वाला चिमटा बोलता है और अगर आप कुकर जो भगवने पतीली की बात करते हैं तो उधर कुकर की सीटी भी दम लगा के बोलती है। जब तक कुकर की सीटी नहीं आएगी तब तक खाना बेमजा हो जाता है। इन लाइनों को मैंने लिखा नहीं क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया। तो ये था हमारा प्रयास दादाजी, जैसा भी था स्वीकार कीजिए।